डिंडोसी के भाजपा कार्यालय में दहिसर की विधायिका मनीषा चौधरी के हाथों अनाज वितरण किया गया। मुंबई के मलाड़पुर में स्थित कुरार विलेज के भाजपा डिंडोसी विधानसभा कार्यालय में जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरण किया गया। अनाज वितरण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में दहिसर की विधायिका मनीषा चौधरी मौजूद थी। इस कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता लोकेंद्र भोम सिंह राठौर थे। दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी ने अपने हाथों से कई गरीब जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरण किया। इस मौके पर भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता सुनील कनौजिया की इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय जनता पार्टी ही सदैव लोक जनतांच्या कामासाठी रस्त्यावर उतरलेली असते। कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपणा सर्वांस माहिती आहे, आपण सर्व साक्षात्कार आहात की कोरोनाच्या वेळेला सर्व बिळामध्ये बसलेले होते, पण रस्त्यावरती भारतीय जनता पार्टीचे कोरोना योद्धा काम करत होते। मग त्या कोरोनाच्या काळामध्ये खिचडी वाटप असेल, रेशन वाटप असेल, मास्क वाटप असेल, सॅनिटायझर वाटप असेल किंवा किट वाटप असेल, हे सर्व काम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करत आहेत। आणि तेच गत कोरोनाच्या म्हणजे 18 मार्च 2020 पासून आजच्या तारखेपर्यंत ज्या ज्या गरीब लोकांना ज्या ज्या वेळेला आवश्यकता पडते त्या त्या वेळेला भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता रस्त्यावर उतरून त्यांना मदत करतो, तेच एक कार्य आज तांदूळ वाटप करण्याचं लोकेंद्र राठोड यांनी केलेलं आहे। आणि ह्याच्यावरून दिसून येतं की भारतीय जनता पार्टी ही रस्त्यावर चालणारी गोरगरिबांची पार्टी आहे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका साथ देने वाली पार्टी आहे। म्हणून भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवून येणाऱ्या 2022 मुंबई महानगरपालिकेच्या इलेक्शनला शिवसेनेच्या बदबदपुरीतून लोकांना न्याय हवा असेल तर येणारा महापौर हा भाजपचा असेल। शिवसेना सरकारने अभी जो बोर्ड लगाने का मराठी भाषा में किया, इसका आप क्या समर्थन देती है या इसका विरोध कराते हैं? जिस तरह से अभी दुकानों पे अगर मराठी में बोर्ड नहीं लगेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इस तरह से उन्होंने घोषणा किया, कहाँ तक आप अच्छा मानती है, क्या इसका विरोध करती है? मराठी माणसांचाच विश्वासघात ज्या माणसांनी केलेला आहे त्या माणसांचं हे सगळं बहुरूप्याचं ढोंगी रूप आहे, बाकी कोणतंही काम नाही आहे। कारण की शिवसेनाने हिंदुत्व सोडलेलं आहे, शिवसेनाने मराठीचा बाणा सोडलेला आहे, शिवसेना आता सोनिया सेने झालेली आहे आणि शरद पवार बोले उद्धव डोले। लोकेंद्रजी, आज जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया था उसका उद्देश्य क्या है और किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया था? नहीं, इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, ये हम समाज सेवा मेरे फादर 40 साल से कर रहे हैं, कंटिन्यू 25-30 साल से हम लोग हर महीने 350-400 महिला लोग को पूरी विधानसभा में राशन देते हैं। थोड़ा कुछ कारणों के वजह से बीच में भी बंद हो गया था 6-7 महीने के लिए, तो अभी हमारे नेता नितेश राणे साहब, हमारे BMC के नेता विनोद मिश्रा जी और उस माध्यम से ये ऑफिस से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी वापस स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू लोगों को राशन दिया जाएगा। अभी 7-8 दिन पहले भी मैंने 50 जन के लॉट का फीस माफ़ का काम किया था और अभी 100 जन के फीस का वापस अभी अगले हफ्ते एक और लॉट निकालने वाला हूँ, तो ये काम कंटिन्यू चालू रहेगा। कुछ कारणों से बीच में 6-7 महीने का गैप था,
अभी कंटिन्यू ये स्टार्ट हो गया है।